हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबों का हमारे चैनल एस नेस्ट पर स्वागत है। हम हैं मेघालय ट्रिप पर और आज हम चेरापूंजी से जा रहे हैं एक नया जगह पर। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड ऑफ बीट प्लेस है, तो वहां पर चल रहे हैं जिसका नाम है नॉन्गखोंग बीवर आइज आयरलैंड। और उसी जगह हम लोग आपको एक वेनिया वाटरफॉल्स, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, तो वो आपको विजिट कराएंगे। और देखिए रास्ते के नज़ारे जैसे देख लीजिए। बहुत अच्छे नज़ारे। अभी चेरापूंजी से जस्ट आगे बढ़े हैं और यहाँ से नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड अबाउट 130 किलोमीटर है। तो ये हाईवे है और बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। तो आप लोग रेडी हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। एंड सविता, हेलो फ्रेंड, ये हमारी गुड मॉर्निंग। ये हमारी स्टार एंकर है मेघा। हेलो डॉक्टर मेघा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने बिल्कुल स्पेशल ब्लॉग में, नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड। और देखिए क्लाउड कैसे मचल रही है, घटाएं कैसे बिखरी हुई है, और हाईवे इतना खूबसूरत और उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये नजारे हैं। वाओ, क्या खूबसूरत ब्रिज है, बहुत अच्छा व्यू है। और कभी एकदम बादलों से कवर हो जाता है ये रोड और ये हिल माउंटेन, और कभी एकदम से सनलाइट निकल जाती है। इतना तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है वेदर, मजा आ रहा है। और इतनी अच्छी हाईवे है, आप खुद देख पा रहे होइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे हैं नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड। हम लोग हाईवे पर जा रहे हैं, ये शिलोंग जाएगी और नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड चूंकि हमको जाना है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे जाने पर लेफ्ट साइड के लिए हम टर्न करेंगे, क्योंकि हमें नॉन्गस्टेन वाले रास्ते को पकड़ना होगा, जिसमें नॉन्गस्टेन से 8 किलोमीटर बिफोर हम लोग को फिर लेफ्ट टर्न लेना होगा नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये अभी हाईवे शिलोंग जा रही है और आगे से हाईवे टर्न लेगी लेफ्ट साइड में, जो हमें नॉन्गस्टेन के लिए लेके जाएगी, और वही रास्ता गारो हिल्स के लिए भी जाएगी। और देखिए रास्ते का व्यू, ओ क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, रोड भी खूबसूरत, नज़ारे भी खूबसूरत, तो सफ़र बहुत प्यारा हो जाता है। ये रास्ता जो सीधे जा रही है ये जाएगी शिलोंग, और हम इधर मुड़ रहे हैं नॉन्गस्टेन के लिए। तो देखिए नॉन्गस्टेन 78 किलोमीटर है और नॉन्गस्टेन से 8 किलोमीटर पहले हम लोग जाएंगे नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड की तरफ, जो एशिया का सबसे बड़ा रिवर आयरलैंड है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर फेमस ऑफ इट वेनिया वाटरफॉल है। तो चलिए हम लोग रन ले लिए हैं नॉन्गस्टेन के हाईवे पर और जा रहे हैं नॉन्गखोंग रिवर आयरलैंड। यहाँ से 95 किलोमीटर है, बहुत खूबसूरत हाईवे है। और ये देखिए नॉन्गस्टेन का बोर्ड भी लगा हुआ है, नॉन्गस्टेन का बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये नॉन्गस्टेन वाली हाईवे है। कुछ ऐसा नाम सब है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता होगा, बट हम आपको दिखा भी रहे हैं रोड पर।
आप यहाँ इजीली जा सकते हैं। सड़कें चूँकि काफ़ी अच्छी हैं और हम पूरा रास्ता आपको इन्फॉर्मेशन बताते जा रहे हैं कि अगर आपको शिलोंग से आना है या फिर आपको, वैसे शिलोंग से नॉन्स्टेन का अलग रूट होगा, तो एक स्पेशली अगर आप चेरापूंजी से आ रहे हैं और आप नॉन्स्टेन जा रहे हैं, इसलिए कि नॉन्स्टेन से 8 किलोमीटर बिफोर, अबाउट 8 किलोमीटर, बट वहां जाके हम बताएंगे एग्जैक्ट आपको कि वहां से लेफ्ट टर्न लेकर के हम नोंगखुम रिवर आइलैंड जाएंगे, जो यहां से 90 किलोमीटर के आसपास, एक यहां पंप है, फ्यूल भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और हर जगह मार्केट है, चूँकि हाईवे है तो आप हर जगह ब्रेकफास्ट, लंच, टी, एवरी थिंग इज अवेलेबल। तो चलिए पूरा रास्ता आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे नोंगखुम रिवर आइलैंड हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ वेनिया वाटरफॉल्स भी आपको, मुझे लगता है कि वहाँ रिवर से बोटिंग करके लोग जाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जो विलेज क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है नोंगखुम, नोंगखुम विलेज से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और हिल साइड विलेज बहुत अच्छा लगता है। देखिए फिर से एक पंप मिल गया यहाँ और अभी हम यहाँ से नॉन्स्टोन के लिए राइट टर्न लेंगे, तो टेक द नेक्स्ट राइट। तूरा के लिए भी यहीं से 72 किलोमीटर नॉन्स्टोन एंड 286 किलोमीटर तूरा, और सीधे चल जाएंगे तो माफलोंग चले जाएंगे, तो हमें जाना है नॉन्स्टोन। तूरा बहुत फेमस जगह है साउथ हिल में, तो तूरा के लिए भी यहाँ से टर्न लेंगे और हमें तो नॉन्स्टोन जाना है। तो तूरा वैसे देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं, तो तूरा व्यू कितना अच्छा है। तूरा साउथ गारो हिल में है, तो साउथ गारो हिल, अभी हम लोग खासी हिल से आ रहे हैं, जैसे कि चेरापूंजी शिलोंग से आए थे, तो अभी हम लोग खासी हिल से साउथ गारो हिल्स की तरफ जा रहे हैं, बाकी अभी खासी हिल ही है। साउथ गारो हिल में तूरा है, हमें भी साउथ गारो हिल के तरफ जाना है, बाकी हम टुमारो वहां के लिए जाएंगे और सीजू केव जो नामी है वर्ल्ड का सबसे मैंने लॉन्गेस्ट केव, तो उसको भी हम लोग विजिट करेंगे। वारी छोरा विजिट करना है, इसलिए साउथ गारो हिल तो हम जाएंगे, टुमारो जाएंगे, बट आज हम जा रहे हैं, तो ये रास्ता नॉन्स्टोन होते हुए तूरा जाएगी, साउथ गारो हिल भी लोग इसी रास्ते से जाते हैं, तो आपको मैं ये रास्ते का पूरा इन्फॉर्मेशन देते जाता हूँ। और देखिए तो अगर आपको साउथ गारो हिल जाना है तो यही सड़क आपको लेके जाएगी। तूरा बहुत लोग जाते हैं, फेमस प्लेस है साउथ गारो हिल का, तो ये साउथ गारो हिल जाने के भी रास्ते हैं। देखिए ब्रिज के नीचे से जाएंगे, कोई टनल वैसा नहीं है, बस टनल जैसा दिख रहा है, और ये ब्रिज के नीचे से रास्ते थे, बट ये हिल्स के बीच से ये जो रास्ता बनाया गया, हाईवे बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों में से नॉन्स्टोन कौन कौन गए हैं? नॉन्स्टोन में से अगर हम बोले नॉन्स्टोन के पास जो हम नोंगखुम रिवर आइलैंड जा रहे हैं, वेनिया वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो आप लोगों में से कौन कौन लोग वहाँ गए हैं और कौन से रास्ते से गए हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम आपको पूरा रास्ता को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और रास्ते की ब्यूटी जो आप देख रहे हैं वो और बढ़ता जा रहा है, ब्यूटी के लेवल बढ़ता जा रहा है, आगे और मजा आने वाला है। देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, कितनी अच्छी ब्यूटी है, और ये जो प्लेस से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये विलेज है लवाई,
तो हम लोग लवाई विलेज से क्रॉस कर रहे हैं और कितना किलोमीटर बच रहा है 82 और यहाँ से 82 किलोमीटर वेनिया वाटरफॉल नियर नोंगखुम रिवर आयरलैंड नाउस 10 देखिए रास्ते कितने अच्छे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए लवाई जाने का रास्ता भी यहाँ से दिया हुआ है, जस्ट बगल में विलेज है लवाई। नोंगस्टोन 66 किलोमीटर, मामाराम यहाँ से ओनली 8 किलोमीटर है। मामाराम एक प्लेस है, ओनली 8 किलोमीटर है और 66 किलोमीटर नोंगस्टोन। बहुत अच्छे रास्ते हैं, जबरदस्त। क्या नजारे हैं, वाह! और जब इतनी अच्छी हाईवे हो इन नजारों के साथ तो ड्राइविंग का अलग लेवल बढ़ जाता है, ड्राइविंग करने का लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत मजा आता है ड्राइविंग करने में। मेरे कहने का ये है पूरा हाईवे है तो आप डरिए नहीं, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं मेघालय ट्रिप पर, जैसे मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ मेघालय ट्रिप पर, और आप ट्रेन से प्लेन से गुवाहाटी तक आ सकते हैं और फिर वहाँ से टैक्सी आप जो है हायर कर सकते हैं, टैक्सी विद ड्राइवर हायर कर सकते हैं, विदाउट ड्राइवर सेल्फ ड्राइविंग भी आपको टैक्सी आपको मिल जाएगी गुवाहाटी में, और आप पूरा मेघालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको स्कूटी भी मिल जाएगी, बाइक भी मिल जाएंगे हायर कर सकते हैं, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, प्लेन से भी आ सकते हैं गुवाहाटी तक, और फिर वहाँ से आप रेंट पर टैक्सी लीजिए या फिर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी लीजिए या फिर टू व्हीलर लेकर के आप पूरा मेघालय एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जैसे भी हो छुट्टियों में समय निकाल करके ये पूरे ईयर में तो एक वीक की छुट्टी ली जा सकती है जॉब में भी जो लोग हैं, और मेघालय टूर का निश्चित रूप से प्लान करना चाहिए। क्योंकि हम मेघालय ट्रिप पर हैं तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं मेघालय टूर हर किसी को करना चाहिए, बट थोड़ा सा पैर में ताकत होना चाहिए। बार बार आपको वाटरफॉल देखने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, और बैम्बू ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी पैरों में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि बैम्बू ट्रैकिंग यहाँ से सबसे एडवेंचरस है, डेंजरस भी नहीं कह सकते हैं बट थोड़ा थकान वाली है। तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आएंगे बैम्बू ट्रैकिंग के लिए, आपने बैम्बू ट्रैकिंग का ब्लॉग पीछे वाले ब्लॉग को देख सकते हैं, हमने बैम्बू ट्रैकिंग का ब्लॉग बनाया है और बहुत ज़बरदस्त व्यू आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले ब्लॉग और भी अच्छे आ रहे हैं तो आपको ईजिली एक्सेस हो सकेगा। तो निश्चित रूप से यू कैन प्लान फॉर मेघालय स्टेट ट्रिप। तो अभी हम लोग नोंगस्टोन के रास्ते में हैं और अभी जो ये विलेज क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है बालुलू। तो हम बताते चल रहे हैं कि रास्ते में कौन कौन से विलेज पड़ रहे हैं, जिससे कि आप जब आइएगा तो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाइएगा। बट ये बहुत खूबसूरत यहाँ के व्यू हैं, आप भी देख पा रहे होइएगा। नोंगस्टोन 48 किलोमीटर, टूडा 263
263 किलोमीटर और राइट साइड जो जा रही है वो मेलांग चली जाएगी और हम सीधे जाएंगे नॉन्स्टॉप। यहाँ भी सब्जी लोग मचन्ना पड़ने सब्जी नहीं है कोई दूसरा चीज सब्जी ही है उसके लिए ये बनाया गया है। और देखिए व्यू, देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा है सामने से, देखिए व्यू जबरदस्त। ये रास्ते ही आपको मन मोह लेंगे, मंजिल पर जाके जो आनंद आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल का होगा ही, लेकिन उससे पहले का जो रास्ते का जो व्यू आपको देख करके मन आनंदित होगा। देखिए कितना खूबसूरत ये माउंटेन लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत वादियों के बीच से रास्ते हैं। और देख रहिएगा कि एकदम हाईवे है, गाड़ी भी स्पीड भी मेंटेन कर रही है। और ये देखिए कितना खूबसूरत और हो गया है, ये माउंटेन कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे एक हमारे बगल से एक रिवर है जिसके ऊपर ब्रिज आने वाली है। ये कौन सा रिवर है हम थोड़ा पता करते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में डिटेल्स डाल देंगे। तो ये मुझे लगता है वही नोंगखुम रिवर शायद होगा। नहीं नहीं, इस ब्रिज से मुझे नहीं जाना है, ये कहीं और जा रहा है। तो ये रिवर के बारे में मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निश्चित रूप से डाल दूंगा, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये टेढ़े मेढ़े घाटी के रास्ते और बड़ी बड़ी माउंटेन के साथ जो ये हाईवे है, निश्चित रूप से आपको रास्ते का इतना आनंद देगा कि आप आनंदित होते हुए अपने मंजिल पर पहुंचेगा। देखिए वहाँ हिल पर ये जो रिवर, मैं जिस रिवर की बात कर रहा था वो रिवर वा खैंसी करके रिवर का नाम है। मैं और डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवर के बारे में डाल दूंगा, बट इसका नाम अभी मैंने अभी अभी पता किया है। देखिए खैंसी वा खैंसी रिवर है। अभी जिस विलेज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इस विलेज का नाम खैंसी विलेज ही है और इसी के नाम पर ये रिवर का नाम शायद है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूंगा मैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ये विलेज प्लेस है खैंसी विलेज। यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और व्यू भी बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए दूर दूर तक माउंटेन मदमस्त लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि क्यों नहीं यहाँ पर वन नाइट, देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वन नाइट जो है यहाँ पर स्टे किया जाए। बट अभी थोड़ा सा और बेहतर इन्वायरमेंट हमारे लिए आने वाला है, वो है नोंगखुम रिवर आयरलैंड। तो हम नोंगखुम रिवर आयरलैंड में कॉटेज है, अभी तक मेरे को कन्फर्म नहीं किया है, बट हम उसी कॉटेज में रुकना चाह रहे हैं आज का नाइट स्टे। बट वहाँ नहीं होगा तो एक मैंने दूसरा शॉर्टलिस्ट करके रखा है, अभी इनसे बात हो रही है। नोंगस्टोन 33 किलोमीटर, वाह क्या बात, कितने अच्छे नज़ारे हैं। ये जगह का नाम है मबलंग लेन करके नाम है।
पूरी रास्ते आपको बताते चलते हैं कहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, कितना किलोमीटर बच रहा है, कैसे रास्ते हैं, कैसे व्यू हैं। तो हम मेरी कोशिश हो रही है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ जो है सो इसको एक्सप्लोर करें रास्ते को। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम पूरा रास्ता आपको दिखा दे, पूरा वैली देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओफ, ये जो माउंटेन दिख रहा है अभी सामने में गजब का लग रहा है, लग रहा है जैसे कि स्कॉटलैंड का जैसा होता है वैसा लग रहा है। मेघा देखो सामने का व्यू ऑसम है, ऑसम है। और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो वेरी कंफर्टेबल, यहाँ मेरे को रहने का मन कर रहा है, बार बार आने का दिल कर रहा है, बहुत खूबसूरत। और स्काई में जो थोड़े थोड़े बादल हैं, सनलाइट भी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया यहाँ पर, गाय भैंस की बहुत दिक्कत है, चाय हमें बराबर पाउडर वाली चाय पीनी पड़ती है, तो सप्ताह तो चाय पीना ही छोड़ दी है। अरे वाह, देखिए 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 कितना जबरदस्त व्यू है, इन व्यू को देखते रहने का मन करता है। मेरा मन करता है ना गाड़ी रोक के थोड़ा यहाँ पर एंजॉय करें, लेकिन चूंकि रास्ते बहुत लंबे हैं तो रास्ते में ही शाम हो जाएगी, जबकि आज हम वेनिया वाटरफॉल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वाह, ये रास्ते के नजारे गजब के हैं, औसम औसम नजारे। अंत करता है कि यहीं पर थोड़ी देर गाड़ी रोक करके इन वादियों को निहारते रहें, इस हिल्स पर जाके थोड़ी देर बैठ करके समय बिताए, चूंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल है 20 डिग्री। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीन 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 ग्रीन, मेघालय तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जो विलेज क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम है तीसाओ। हम स्क्रीन पर भी सब कुछ बताएंगे कि कहाँ कहाँ से है हमारा रास्ता और कितना डिस्टेंस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, तो आप कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको मेघालय आएगा ना तो लोग कहेंगे कि से हम मेघालय गाइड कराते हैं, मैं गाइड बन के पूरा मेघालय आपको घुमाऊँगा। नहीं, मेरी वीडियो को देखिए, मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, नेक्स्ट को फॉलो कीजिए, और मेघालय क्या पूरे इंडिया के लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जिस स्टेट को ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसकी वीडियो आप एक बार देखिए, और फिर आप कोई गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा अगर ज़रूरत नहीं होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वो मेरा वीडियो कितना सपोर्ट कर रहा है जब आप ट्रिप पर जाते हो, और ऐसे भी घर बैठे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। आज के डेट में वही अपडेटेड है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। को अभी लेफ्ट चलना है 106 NH 106 से, और नोंगडोंग उधर चले जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग नोंगस्टेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो नोंगस्टेन से आगे बढ़ रहे हैं और यहां से हम रास्ता टर्न ले रहे हैं। हम जा रहे हैं नोंगकुंग रिवर आयरलैंड। हम लोग नोंगकुंग
रिवर आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते देखिए वो पक्के रास्ते नहीं हैं बट स्मूथ चल रहा है, थोड़ा सा अपने एकदम पिचिंग नहीं है बट स्मूथली हम लोग चल रहे हैं, चिकने टाइप के हैं तो सैंड और गिट्टी को बैठाया हुआ है, चिपकाया हुआ है तो सड़क ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा हम लोग को आयरलैंड को एक्सप्लोर करना है, वहाँ जाके नाइट स्टे कैंपिंग टाइप का पिकनिक टाइप का वहाँ करना है तो फिर थोड़ा सा तो हमेशा हाईवे तो मिलना मुश्किल है हिल एरिया में। ये रास्ता भी बनाया जा रहा है, आने वाले समय में और भी अच्छे रास्ते हो जाएंगे, बाकी अभी जो है सो आपको हम दिखा रहे हैं ठीक ठाक है, 30 के अबाउट स्पीड भी मेंटेन हो रहा है। तो अभी हम इस रास्ते को छोड़ के राइट टर्न ले रहे हैं क्योंकि हमें जाना है नोंगखुम रिवर आयरलैंड, नोंगखुम रिवर आयरलैंड की तरफ हम रास्ता टर्न लिए। 600 मीटर्स टर्न राइट। देखिए कैसे रास्ते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगता है बट उतना भी खराब रास्ता नहीं है। एक बार फिर से रास्ते अच्छे आ गए तो इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और जैसे जैसे टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट की भीड़ लगेगी तो और क्योंकि ये सब ज़्यादा एक्सप्लोर्ड प्लेसेस नहीं है कि फिर से एक बार ऑफ रोडिंग, तो इसका भी अपना अलग मज़ा है। देखिए दोनों तरफ ग्रीनरी कितने अच्छे लग रहे हैं, गजब का रास्ता व्यू गजब के है। इन वादियों में आके रहना नाइट स्टे मजा आ जाएगा। गैया लोग भी है तो लगता है कि दूध वाली चाय मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं नोंगखुम रिवर आइलैंड तक, तो सड़क थी यही तक, तो ये हमारा किधर सड़क जरा दिखाओ। हाँ ये देखिए इस रास्ते से हम लोग आए हैं जो पहले बहुत ही कच्चा पक्का रास्ता था, बाद में अच्छा रास्ता था, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और हम लोग एक स्टेयर्स से वाके ऊपर इस जगह पे खड़े हैं अच्छा व्यू लेने के लिए, इट्स लाइक अ व्यू पॉइंट ओनली। और हमारे जो गेस्ट हाउस के लगता है उधर गेस्ट हाउस शायद उधर है, वहाँ से कोई आ रहा है हमें गाइड करने के लिए, रिसीव करने के लिए क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, शायद हमें चल के जाना पड़ेगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड यहाँ पहुँच के, यहाँ पे मुझे रिवर भी दिख रहा है, आई डोंट नो वेयर द आइलैंड इज बट दिस लुक्स ऑसम, आई जस्ट कांट इमेजिन कि आई एम गोइंग टू स्टे होल नाइट इन दिस प्लेस, जस्ट वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। वाओ वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन, तो एकदम मजा आ रहा है मुझे, मेरा तो मन कर रहा है मुझे इस पे एक खटिया लगा दो, मैं यही रात गुजार दूँ। तो नजारे हैं यहाँ से, क्या नींद आएगी और क्या सपने आएंगे। कैसा लग रहा जी? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अभी क्या, अभी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो इवनिंग होना बाकी है और हमें वाटरफॉल भी जाना बाकी है। और ये इस साइड कितना अच्छा लग रहा है, ये ग्रासलैंड एक्चुअली जो हम लोगों ने चेरापुंजी में देखा, वहाँ पहाड़ों पे लाइक पेड़ होते थे बड़े बड़े, बट यहाँ पे ज्यादा पेड़ नहीं है, ग्रासलैंड है और यहाँ बहुत सारे कैटल भी हमने देखा थे। यहाँ तो भूखे प्यास से भी रहा जा सकता है, मुझे कभी उस पर इतना मजा आ रहा है सीरियसली। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, हाँ तो हम अपने दोस्तों को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया इस एक्साइटिंग आइलैंड पे, और अपना कॉटेज भी दिखाएंगे। ओके, अगले ब्लॉग में लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी एक्साइटिंग स्टे हियर एंड वेरी ग्रेट।
play Shibun. Bye bye. नजारों का मजा लेंगे, उस पानी में खेलेंगे और देखते हैं कैसा है वहां का पानी, क्या यहाँ का भी पानी। What Mother Nature has to offer. So, come, I'll show you.